पहला वाला प्रज्ञान शुभ्रकारी स्थिरचरणिकर व्यतिभिर्गतलोकान् भुक्त्वा भोगास्तविष्ठान् पुनरभिधीशनो भाषितान् कामजन्या पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मदभो मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परमृतं जगं ब्रह्मजत्तं नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के अलात शांति नामक चतुर्थ प्रकरण के विचार करते हुए ये अलात शांति दृष्टांत है जगत मिथ्यात्व को समझाने के लिए। इस प्रकार अलात में अपना कोई आकार नहीं होता, थोड़ा गति के कारण वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के आकार दिखाई पड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार विज्ञान में भी गति के कारण जो है कुछ आकार दिखाई पड़ते हैं। तो विज्ञान तो पूर्ण है, वो वहाँ पर कैसे गति होना संभव होगा? क्या बोलते हैं, वहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जो प्रतिफलित विज्ञान है, जिस प्रकार घरे के अंदर पानी रख करके पानी हिलने डुलने से सूर्य भी हिलना डुलना जैसा प्रतीति होती है और उसी कारण सूर्य अनेक प्रकार से बनते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि औलाद जिसमें वहाँ पे से बाहर से कोई वस्तु आता नहीं है, ना कहीं चला जाता है, ना औलाद में प्रवेश ही करता हो, तीनों वहाँ पर होना संभव नहीं है। इसी प्रकार ना विज्ञान से कुछ उत्पन्न हुआ, ना विज्ञान में मिल जाता है, ना विज्ञान से कहीं दूसरे कहीं पर जाता है, क्यों अकेला वही चलता है। तो जन्म इसलिए जन्म में पारमार्थिक होना संभव नहीं। पंत ऐसे कथन करते फिर बोला कि जब तक जीव के अंदर इस अज्ञानता के कारण ये शरीर शरीर से धर्माधर्म फिर धर्माधर्म से शरीर ये भाव जब तक रहेगा तब तक ही संसार विस्तार हो जाएगा और तभी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तब बौद्धवादी ने बोला कि अरे तुम तो अभी बोला जन्म मृत्यु होना संभव ही नहीं है और आप क्या बोल रहे हो कि जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे, तुम तो विरोधी बात बोलते हो। बोले तो तुमने हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना, हमने तो बोला अविद्या उद्भूत हेतु फलादेश, अविद्या से उद्भूत हुआ हेतु फल उसके कारण से होता है, तुमने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो ठीक से सुने, इसलिए उसको शोक बोला समृद्धा जायते सर्व, है ना, वो आवृत हो जाता है। जो अपने स्वरूप आवृत हो जाने के कारण फिर जो हम अलग अलग प्रकार की कल्पना करते रहते हैं, इसलिए जब आप आत्मा के साथ मिला करके देखोगे तो आप एक आत्मा को ही देखेंगे तो आप वहाँ पर जन्म मृत्यु आदि कुछ नहीं। 57 कर लिए थे तो आप 58 पूरा हो गया था। धर्म ये इति जायते जायते इति न तत्त्वतः एक साथ मिल कर ये चल रहा था ना 58 चल रहा था। धर्म धर्म इति जायते जायते इति न तत्त्वतः जन्म मायोपमन्देषां सा च माया न विद्यते। ये जो धर्म जीव को बोला जा रहा है, जो आपको जन्म लेते होते हुए प्रतीति हो रहा है, वो इस प्रकार से जन्म लेते हैं, किस प्रकार से समृद्धि जन्म लेते हैं। तत्व तो ते न जायते पारमार्थिक विषय तो हमेशा इसको होना संभव ही नहीं है, इसलिए जन्म माया कम होते शांत इस प्रकार जादू का माया भी कुछ वस्तु को दिखा देते हैं, वास्तविक वस्तु वहाँ पर होता नहीं है। इस प्रकार माया से उत्पत्ति के समान या सृष्टि भी ऐसे ही माइक है, माया के कारण जो है एक में अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं। तो माया के कारण जब दिखाई पड़ते हैं तो माया नामक कोई वस्तु होगा, उसे माया का नाम परिभाषा यही है साक्ष माया न विद्यते माया ही तो अविद्यमान आख्या। तो हम लोग कर इसका चटिका के साथ ही चलते हैं। समृद्धा जायते सर्वमिति उक्तम तद इदानीम प्रपंचयति सारा चीत आवरण के कारण ही, मतलब अधिष्ठान तत्व के आवरण के कारण ही उस अधिष्ठान को अन्य रूप में देखने के लिए बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। इसे बोलते हैं धर्म जीते जा जाते तत्र आद्यम पादम विभजत। श्लोक में आए हुए चार पाद में पहला पाद
धर्मा जी इति जयंत, उसको भगवान भाष्यकर व्याख्या करते हैं। क्या बोलते हैं, ये अपि आत्मनो अन्य च धर्मा जायन्ते इति कल्पन्ते ते इति एवं प्रकार यथार्थ समृद्धि निर्दिश्यते। यहाँ पे ये अपि आत्मनो, जो लोग आत्मा का और अन्य च धर्म, यहाँ पे धर्म के ऊपर कोई संख्या दिया हुआ है नहीं दिया है, परंतु आप देखिए एक 7 नंबर टिप्पणी है वहाँ पे जो धर्म लिखा धर्म है, घट आदयो अनात्मनः, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक 7 नंबर संख्या लगाना पड़ेगा। कहाँ पे, ये अपि आत्मन अन्य च धर्म, जो लोग आत्मा का और अन्य अनात्मा का जन्म मानते हैं। हम आत्मा का जन्म नहीं मानते, ठीक, अनात्मा का भी जन्म मान लो, बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं, तो कल्पना ही है। इसीलिए ये अपि आत्मन, जो लोग आत्मा का और अन्य चर्थ आत्माओं का अन्य च धर्म जायन्ते, अन्य जो अनात्मा उससे वही उत्पन्न होते, ऐसा कल्पना करते हैं। इसीलिए हम 7 नंबर धर्म मतलब घटादय अनात्मन, घट पट माट जो भी कोई दिखाई पड़ता है तो अनात्मा वस्तु है उसका। जायंत इति कल्पन्ते, इसको उत्पन्न उत्पत्ति होती है, इसकी ऐसा कल्पना करते हैं मानते हैं। व्यवहरियंत 8 नंबर टिप्पणी, कल्पन्ते को पढ़ाए 8 नंबर मतलब व्यवहरियंत, इस प्रकार से व्यवहार करते रहते हैं। ते इति एवं प्रकार, ते इति हम इति पद है मतलब एवं प्रकार, यथोक्त एवं इति शब्द करते थे इस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से, वो जो ऊपर पहले कथन कर गया यथक्त समृद्धि, यथक्त समृद्धि निर्देश होते, जो ऊपर जो समृद्धि शब्द कथन करके उसको निर्देश करते हैं किसके द्वारा, इति पद के द्वारा, इति शब्द करते कहते इस प्रकार से, इस पर किस प्रकार से समृद्धि के कारण मतलब आप अधिष्ठान की आवृत्ति के कारण, ये अभिप्राय। अच्छा फिर बोलते हैं टीका में देखिए, प्रसिद्ध अवद्योतकत्वम इति शब्द से दर्शयति। जनरली जो प्रसिद्धि का अवद्योतक होता है इति, यहाँ पे इसी शब्द का अर्थ क्या उसको दिखाते हैं, प्रसिद्ध अवद्योतकत्व, ये प्रसिद्धि का अवद्योत कौन सा प्रसिद्ध, यहाँ पे किस किसके प्रसिद्धि चल रहे, प्रकृति क्या है, किसको लेकर विचार चल रहे, अविद्या, अविद्या के दूसरे शब्द से बोला समृद्धि, उसी को बोलते हैं यहाँ पे प्रसिद्ध अवद्योतकत्व इति शब्द से। यहाँ पे इति शब्द आया मतलब मूल में धर्म या इति, इति शब्द से उसको दिखाते प्रसिद्धि का अवद्योत है। यदि इस प्रकार से आप बोलते हो जो सृष्टि हो रहा है सर, ते इति एवं प्रकार है, इस प्रकार से होना बोलते हैं उसी को बोलते हैं यहाँ पे इति शब्द के द्वारा, मतलब ये जो है ते इति एवं प्रकार है, ये एवं प्रकार किस प्रकार है, बोलते एवं प्रकार तमेव स्फोरयति, इस प्रकार से, किस प्रकार से उसको स्पष्ट करते हैं, यथक्त समृद्धि निर्देश्यते, जो पहले जो कथन कर गया है समृद्धि मतलब आवरण उसी को निर्देश करते हैं इति शब्द के द्वारा। मैंने अनंतर प्रकृता समृद्धि इति शब्द ने उक्ता, पहले बोल के आया था अविद्या, प्रकृति मतलब विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट, जिस शब्द को हमने प्रयोग किया अविद्या बोल कर आया था, क्योंकि पंक्ति में देखिए कि यथक्त अद्वैत दर्शन न अविद्या उद्भूत हेतु बोला देता, यहाँ पे समृद्धा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए अनंतर प्रकृता मैंने अविद्या शब्द प्रयोग करके जो समृद्धि शब्द प्रयोग किया जिसको लेकर के विचार चल रहा है, प्रकृति मतलब यहाँ पे जिसको लेकर के विचार चल रहा है उसको प्रकृता शब्द इसलिए प्रयोग किया कि समृद्धि स्त्रीलिंग है, ये तो प्रकृति बोलता है, प्रकृति जिस शब्द को लेकर विचार किया जाए तो अनंतर प्रकृता समृद्धि इति शब्द है, उसको यहाँ पे इति शब्द के द्वारा कहा गया है, उसके इति शब्द का उसी को समझाते हैं कि यथोक्त समृद्धि निर्दिश्यते तथा च समृद्ध एव ते धर्मा जायन्ते, मतलब इसके फलस्वरूप, तथा इसके फलस्वरूप समृद्ध एव मतलब अधिष्ठान तत्व की आवृत्ति भी जो है वहाँ पे अलग अलग वस्तु की कल्पना करने में मजबूर करते हैं, बात करते हैं। समृद्ध एव ते धर्मा, वो जो है जितना जी अथवा जीव से भी तो धर्म सभी रहना है जायन्ते, न तो तेषां तत्त्वतो जन्म अस्ति, उन लोगों की जन्म पारमार्थिक तो है ही, पारमार्थिक नहीं है इति अर्थ है इसका विप्रण, इसका अर्थ हो गया बेटा धर्मा जे इति जायन्ते, जायन्ते ते न तत्त्वतो, पारमार्थिक उसका जन्म नहीं है, न ते तत्त्वते इति उक्तं प्रपंचयति, इतना बोलते हैं द्वितीय पाठ में कहा ते तत्त्वतो न जायन्ते, इसको समझा रहे हैं, क्या बोलते हैं, समृद्धा एव धर्मा जायन्ते न ते तत्त्वतः जायन्ते, तत्त्व शब्द का अर्थ क्या कर दिया, परमार्थ तो जायन्ते, ठीक है, समृद्धा एव धर्मा जायन्ते है ना, अज्ञान से मतलब आवरण के कारण ही अलग अलग प्रकार की वस्तु दिखाई पड़ता है,
ना ते तत्त्वतो जायन्ते वो लोग तत्त्वतो जन्मनी ने तभी इसमें एक पद आया है तत्त्व के बाद परमार्थ तत्व मतलब तत्त्व का शब्द होता है पारमार्थिक कुछ उसका सृष्टि नहीं है। फिर क्या बोलता है संवित्ता अपि जन्म पारमार्थिकम एव इति आशंका तृतीय पादम योजयति जो संवृत्ति से मतलब आवरण से भी जो जन्म होता है किंतु देखिए जब कभी भी कोई मतलब बीज को बोलिए अथवा मातृ को भी बोलिए वो भी एक आवरण है तो आवरण से भी जो जन्म होता है वो तो जैसा कि जन्म होता है एक बीज के अंदर पूरा पेड़ छुपा होता है आप मिठा पेड़ वहाँ पे उससे जन्म होता है मतलब फिर आपको सामने दिखाई पड़ता है मातृगर्भ में बच्चा दूध वहाँ पर रहता है फिर बाहर आता है तो वो तो यथार्थ जन्म होता है इसलिए समृद्धि से भी यथार्थ जन्म होता है ऐसे क्यों नहीं मान सकते आवरण है ठीक है इसलिए आप ये प्रश्न यहाँ पे जी पुनर्मत एक एक शब्द यहाँ पे आते हैं आपको थोड़ा विचार कि क्या बोलना किसको मन में रख करके बोल सकते हैं इसलिए यहाँ पे बोलने हैं समृद्धता आपके जन्म पारमार्थिक है वो ठीक है आवृत आवरण के कारण जन्म हो रहा है ऐसा बोलता तो भी पारमार्थिक जन्म होगा ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता है आशंका करते तो उसके लिए उत्तर बोलते तृतीय पद जो है उसका तृतीय पद योजन करते हैं अर्थ अर्थ करते हैं तृतीय पद क्या है जन्म माया प्रमुखेशन आप आ जाइए उसमें हाँ जब पुनः तत्समृत्या जन्म तेषा धर्मानाम यथक्तानाम यथा मायाया जन्म तथा तन मायोपमं प्रत्येतव्यम जत पुनः तत् तत् मतलब अपारमार्थिकम जत मतलब जत पुनः तत् समृद्ध जन्म मतलब ये जो अपारमार्थिक जन्म जो आपने कहा इसे एक नंबर टिप्पणी है वहाँ पे तत् के ऊपर उसमें कितना नंबर है हाँ एक नंबर है तत् के ऊपर अब दो नंबर है आपका जन्म के ऊपर ठीक है तो यहाँ पे बोलते अपारमार्थिक है जो आपने कहा वो अपारमार्थिक है जन्म भवती मतलब आवरण के कारण अथवा अपारमार्थिक जन्म होता है तेषाम तेषाम केषाम धर्मानाम यथोक्तानाम जो पहले बोल करते यथा माया या जन्म जैसे माया से जन्म होना संभव है तथा उसी प्रकार से उनका जन्म होता है तन मायापम वो जो है माइक है माया के साथ ही उसका तुलना हो सकता है मायोपम माया के साथ तुलना प्रत्येतव्य मतलब समझना चाहिए तो निश्चेतव्य निष्पक्ष समझना चाहिए यहाँ पे एक नंबर मैंने जब बोल दिए थे अपारमार्थिकम कि जन्म भवती उन लोगों का जन्म अपारमार्थिक होता है ये दो नंबर हो गए थे शेष वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा भवती क्रिया पर तो मतलब वहाँ पर सेंटेंस पूरा हो जाता है ठीक है ना कमाना का जन्म भवती कमाना का तेषाम धर्मानाम यथोक्तानाम उन धर्मों का मतलब जीवों का जो पहले ऊपर से खेलते हुए आर विचार करके आ रहा है यथा माया जन्म जैसे माया से जन्म होना संभव है जन्म इति इंद्रजाल जन्य हस्त्यादि नाम इति शेष है ना माया से जो हस्त्यादि दिखाई पड़ता है उसी प्रकार ये भी माया का सब व्यवहार हो रहा है जैसे बंधु वस्तु वहाँ पे है जन्म तथा तन मायोपम प्रत्येतम इसी प्रकार जीव का अथवा आत्मा अनात्मा दोनों का ही जन्म जो है माइक है ऐसा समझना चाहिए प्रत्येतव मतलब निश्चेतव्य नंबर टिप्पणी अच्छा भाई जब माया से इतना कमाल हो रहा है तो माया नंबर कोई वस्तु को इतना कमाल कर सकते हैं अघटन घटन पटियसी माया जो होना संभव नहीं है उसको घटा करके दिखा देती है वो इसीलिए वो यथार्थ वस्तु होगा तब बोलते हैं यहाँ पे कि प्रत्येतव्य जन्म की जटिका में देखिए प्रत्येतव्य के आगे जन्म का क्या प्रत्येतव्य मायोपमो तेषाम जन्म वो जो जन्म आ रहा है ना उसको उसका आगे इतना जोड़ के अर्थ करना पड़ेगा ठीक है मैंने प्रत्येतव्यम जन्म इति शेष उसको है समझना चाहिए उसके जन्म ऐसा माई की है ऐसा समझ के अर्थ करना पड़ेगा अब बोलते हैं चतुर्थ पादार्थम आकांक्षा द्वारा स्कोर चतुर्थ पाद का अर्थ है उसके पहले एक आकांक्षा उठाते हैं कि इस पद को लिखा उसको लेकर के उसको स्पष्ट करते तो माया नाम वस्तु तरी हाँ तब तो माया नामक कोई वस्तु होगा आपके पास माया नामक वस्तु तरी जिससे सारा उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे देखिए पांच नंबर माया नाम वस्तु की मायाया अमायिकत्व इति भाव माया तो है अमायिक है तो पढ़ लिया था ठीक है माया अमायिक है ऐसा मानना पड़ेगा मायिकत्व ही असत रूप प्रत्यय प्रयोजकम है ना तो माया अमायिक है मतलब वो माइक नहीं है क्योंकि यदि माइक होता तो असत होता इसलिए माइकत्व में असत रूपत्व प्रयोजकम तत् अभाव यहाँ पे माया में इस असत रूपत्व नहीं है सा माया तत् अभाव तत्मी माया में उस असत रूपत्व के अभाव है इसीलिए इस माया को ऐसा कहा गया है
क्या माया नाम वस्तु तरी माया नामक कोई वस्तु होगा तरी मतलब जन्म न माई का यदि जन्म माया से होता है तो माया नामक कोई वस्तु होगा जन्म पेड़ से हुआ भोजन से हुआ तो पशु से हुआ तो पशु नामक कोई वस्तु है इसी प्रकार जो है माया नामक कोई वस्तु का जिससे सारा जन्म होता है ऐसा मान लिया जन्म न माई का तो जन्म माया से होता है तो माया नामक कोई वस्तु मानना पड़ेगा जब ऐसा कहते हैं तब उत्तर में सिद्धांत बोलते हैं नैव ऐसी बात नहीं है वस्तु हुए बिना ही हम कल्पना कर देते हैं नैव सात नंबर टिप्पणी में बोलते हैं अभूतत्वात् असत रूपत्वात् ऐसी बात नहीं है वो है ही नहीं वहाँ पे सात नंबर टिप्पणी है वहाँ पे क्या लिखा है वहाँ पे नैव के ऊपर कुछ है नहीं कुछ नहीं है ना ठीक है काट दीजिए उसको काट दीजिए उसको नहीं है नहीं बाप क्योंकि सात नंबर आगे आ रहा है साथ साथ माया ना विद्या तो माया जो है कोई विद्यमान वस्तु है ना माया इति अविद्यमान आख्यति अभिप्राय माया जो है अविद्यमान वस्तु को माया शब्द के द्वारा कहा जाता है या मतलब जो वस्तुएं और माँ मतलब है ही नहीं है ना इस प्रकार से उसका अर्थ करते हैं ये तो हो गया तब देखिए टीकाकार बोलते हैं जन्म माया ममो तेषां इति उत्तम तदेव दृष्टांत अवस्थम्भेन साधयति आपने क्या कहा उनका जन्म माइक है उसको दृष्टांत वगैरह समझा दें जन्म माया पमम तेषाम धर्मानाम आत्मानात्मानाम जन्म माया पमम माया के साथ माइक है उनका जन्म तदेव इस सिद्धांत को ही दृष्टांत अवस्थम्भेन इस प्रतिज्ञा वाक्य को दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत के सहारे समझा रहे साधयति श्लोक में यथा माया मयाद्बीजात् यथा माया मयाद्बीजात् जायते तन्मयं पुरः जायते तन्मयं पुरः नासौ नित्यो न चोच्छेदि नासौ नित्यो न चोच्छेदि तद्वद्धर्मेषु योजना तद्वद्धर्मेषु योजना यथा माया मयाद्बीजात् जायते तन्मयं पुरः नासौ नित्यो न चोच्छेदि तद्वद्धर्मेषु योजना जैसे कोई जादूगर दिखाता है ये चीज़ गाँव की तरफ अब जाएंगे तो हमें देखेंगे जादूगर बोलेंगे देखो अभी मैं यहाँ पे पेड़ बोऊंगा आपके सामने पेड़ उग जाएगा फल देगा फल आपको खिलाऊंगा वही फल खिलाऊंगा बीज बोता है फिर बीज बो करके वहाँ से अंकुर भी निकलता हुआ भी दिखाते हैं थोड़ी देर में बड़ा पेड़ भी हो जाता है और पेड़ से फल निकल कर आपको देते हैं खाने के लिए अब तो पहले डरेंगे हम अरे ये कहें क्या गड़बड़ मामला तो फल नहीं खाते तो बट गर्मी कोई बात नहीं खाया देगा सही है जैसे वो जो हम बता रहे थे ना हमारे जिस दोनों माता जी के पास नहीं होते पहले तो उन लोग माउंट आबू में रहते थे एक शुद्धानंद मिशन 1984 में जब यहाँ पर आए तब एक चीज चाहते कि अभी मैं बर्फ में सम्मति लेने जा रहा हूँ केदारनाथ में तो आप लोग आना चाहते तो मिल लो तो माता जी लोग गए थे हम तो नहीं गए थे जानते नहीं थे परंतु फिर कुछ माता जी से सुना कि माता जी को प्रसाद दिया केला हाथ में पकड़ो दूर बैठे हैं जैसे वो दूर बैठे हैं तो बैठे हाथ में पकड़ो और यहाँ से ना ऐसा हाथ को ऐसे ऐसे केला पूरा बिल्कुल कुछ तरह वो नहीं है बिल्कुल ऐसे चीज केला यथार्थ केला है और वो माइक नहीं है काल्पनिक नहीं कुछ नहीं फिर उसके ऐसे 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 करते हैं क्या बोलते हैं छिलो और उसको मांट के खा लो तो छिला अब देखो केला सुंदर छोटा 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 टुकड़ा कर टिकला ऑरिजिनल केला तो वो भी नहीं कोई काट के रखा भर दिया ऐसा कुछ नहीं तो सब तो अब है उनके पास कोई शक्ति ऐसे होगा जिस तरह है तो ऐसे परंतु वो भी जानते हैं कि कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं माए की है तो ऐसे ये तो कोई ना कोई जो है ना जो सिद्धि हो सकती है क्योंकि माया इसमें कहाँ करेगी इसीलिए मतलब ये सिद्ध है भी तो माया का ये बहुत भयंकर रूप है माया अपने आप तो भयंकर है ही और सिद्धियाँ तो उसका और भयंकर रूप है मतलब उसका कार्य और भयंकर होता है उससे बाहर निकल पाना और मुश्किल होता है तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यथा माया मयाद बीजा जिस प्रकार माया से भरे हुए मतलब माया के विकार से बनता है जो बीज उस बीज से जो अंकुर उत्पन्न होता है वो भी मायामय होगा जायते मायामय अंकुर सभी माइक है बीज भी माइक है
अंकुर भी माइक है, फल भी माइक है, खाने वाला भी माइक है, दिखाने वाला भी माइक है। दिखाने वाला तो माया भी यही है, तो माया से दिखा, खाने वाला को ऐसे आँख अथवा बुद्धि को बांध देते हैं तो वैसे जैसा बोलते हैं वैसे करते हैं, बस उनते हैं। तो यथा माया मया बीजा जायते तन्मय अंकुर नाशो नित्य न च उच्छेद। वो कोई नित्य वस्तु है नहीं, इसीलिए आप उसको उच्छेद भी नहीं कर सकते। जगह दिखाई पड़ रहा है, आप सोचो कि बुलडोजर ला करके जैसे योगी जो है बुलडोजर, तो ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ज्ञान में तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे तो आपको ये नित्य है ही नहीं, तो उसको उच्छेद कैसे करोगे। वस्तु होता तो आप कट वस्तु पारमार्थिक है नहीं। तद्वत धर्मेशु योजना, इसी प्रकार से जीव के लिए भी ऐसे समझना चाहिए। मतलब क्या है, जीव की जीवत्व कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। माया से हमने अपने ऊपर जीवत्व की कल्पना करी, माया से अपने कल्पना की, तब हम अब अंदर की आकृति हट जाती है ना, अंदर का आकृति, तब हम अपने शिवत्व को समझ जाते हैं। इतना अभिप्राय से इतना ही जगह पर दृष्टान्त दर्शन करें, पूरा घटाने जाएंगे तो कभी नहीं होगा। इतने धर्म से जीव को लुवा लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जीव में जो जीवत्व धर्म आता है वो माइक है। यथा माया मयाद बीजात जायते तन्मय अंकुर, इस प्रकार एक माया माइक बीज से माइक अंकुर उत्पन्न होता है। उस उससे उत्पन्न हुआ जो वृक्ष, उसको तो ना आप उच्छेद कर सकते हैं ना उसको नित्य बोल सकते। अब देखिए, यदि जीव को नित्य बोलोगे तो मुक्ति संभव होगा। जीव नित्य है, मुक्ति संभव। जीव अनित्य है तो मुक्ति का आनंद कौन लेगा, किसके लिए मुक्ति बोलो, तो अनित्य अपने भी चला जाएगा। दोनों प्रकार से नहीं बोला जाता, जीव को लेकर है ना, इसीलिए बोलते हैं न नित्य न तो उच्छेद। उसको नित्य भी नहीं बोल सकते, अनित्य भी नहीं, उसको उच्छेद भी नहीं कर सकते। क्योंकि नित्य होगा तो भी आप ये मुक्त तो नहीं होगा, क्योंकि जीवत्व नित्य है तो जीवत्व कहाँ से आएगा। जीव अनित्य है तो कौन मुक्ति का आनंद देगा, अपने आप ही चले जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार से उसको निरूपण नहीं किया जा सकता। जन्म माया प्रभाव तेषा तेषा नाश हो नित्य न चाहे उच्छेद तत्पर धर्मेश्वर योजना, जैसा वृक्षों के लेकर के बोला ऐसे जीवों में समझना चाहिए। प्रकार जीवों में समझ, इसी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वहाँ पे कि जो न अंत न से आदि न तो संप्रतिष्ठा न रूपमस्य तत्व को लब्ध थी। ऐसा जैसे वृक्ष वर्णन किया ऐसे उपलब्धि होने वाले नहीं हो तो माइक है, इसीलिए उसको उखाड़ भी नहीं सकते, मतलब नित्य भी नहीं कह सकते, उखाड़ भी नहीं सकते। उखड़ेगा कैसे, केवल मात्र विवेक वगैरह जैसे सत्य तो नहीं होता। तब यहाँ पे भाष्य में अच्छा भाष्य को के लिए टीका करें, श्लोक अक्षरा श्लोक अक्षराणी आकांक्ष श्लोक अक्षराणी आकांक्षा दर्शयत योजयति। टीका में श्लोक अक्षराणी आकांक्षा दर्शयत योजयति, श्लोक में आए हुए पदों को इसके पीछे आकांक्षा क्यों लिख रहे हैं टीकाकार, मतलब कारिकाकार ऐसा उसको दिखलाते हुए उसको अन्वय करते हो तो अर्थ करते हैं। हर जगह पर देखिए आनंद की देखिए कौन ये पढ़ते पढ़ते हर श्लोक के पहले आकांक्षा अथवा शंका उठा करके उसको निराकरण के रूप में श्लोक को दिखाते हैं। प्रत्येक श्लोक के पीछे कोई एक हमारे अंदर जो शंका है उस शंका को निराकरण के लिए उस श्लोक का। कथम मायात्म तेषाम धर्मानाम जन्म इतिहा, समस्त जीव की जन्म माइक है, तेषाम धर्मानाम जन्म मायापम कथम उच्यते, कैसे हो सकता है। इसको उत्तर में कहते हैं देखो जैसे हो सकता है, दृष्टांत के रूप में कहते हैं बात। यथा माया माया आम्रादि बीजा, हो सकता है भगवान भास्कर को बचपन में दिखा होगा इधर आम के, मैं तो देखा गांव में गांव में पहुँचे गए थे छोटा छोटा भाव हमने को पकड़ा जनता की इसको बेकूफ मनाना आसान हो, इधर आओ क्या खाना चाहते क्या मालूम, इसमें चुप चुप करने बोलो बोलो अच्छा तो छोटे बच्चा क्या सामने जो देखता है आम को तो कुछ ये नहीं है तो हाँ हाँ अभी खिलाते हैं पूरा एक छोटा सा कुछ निकला जमीन में गारा पेड़ हो गया फिर देखा दिया क्या और इसके बैठ भी तो सब देख रहे ऐसे जो है। यथा माया माया आम्रादि बीजा जायते, आम्रादि बीज से उत्पन्न होता है। तन्मय मतलब मायामय अंकुर, मायामय माइक अंकुर उत्पन्न होता है। नाशु अंकुर नित्य न च उच्छेदी, ये अंकुर नित्य नहीं है, मतलब वहाँ से जो पेड़ उत्पन्न होता नित्य वस्तु नहीं है वो, न तो उच्छेदी वो तो प्रतीति मात्र से उसको खा भी नहीं पाओ, खा भी नहीं, न जो उच्छेदी मतलब विनाशी बा। क्यों ऐसा बोल रहा है कि अभूतत्वात्
वो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं होने के कारण, यदि पारमार्थिक अगर व्यावहारिक कोई वस्तु होता तब आप उसको काटना उसको उखाड़ना ये सब कर सकते। अभूतत्वात्, यहाँ पे सात नंबर टिप्पणी है ना, सात नंबर होता असद रूपत्वात्, वो है प्रतीति होते वास्तव में नहीं होने के कारण असद। देखिए यहाँ पे बोलना चाहता है मिथ्या, हम शब्द क्या पढ़ते हैं असत, यानी कि अभिप्राय कहना हमको मिथ्या मतलब प्रतीति हो रहा है परंतु वस्तु नहीं है वहाँ पे, असत मतलब वस्तु ही नहीं है। परंतु कभी कभी ऐसा हुआ है राष्ट्र में, मतलब कहना चाहते हैं मिथ्या परंतु असत मतलब है ही नहीं जैसा उसको समझ, इसलिए प्रयोग किया है। कहना अभिप्राय क्या है, जता माया माया विदा माइक अंकुर, माया मतलब मिथ्या मतलब है ही नहीं वहाँ पे परंतु प्रतीति हो रही है। कभी जब प्रतीति तब बोलना चाहिए था मिथ्या मतलब नहीं बोलता असत शब्द, इसलिए बोलते हैं कि अभूतत्वाद यहाँ पे अशत रूपत्वाद मतलब ये माइक रूप ही अशत रूप है, पारमार्थिक मतलब वस्तु नहीं होती हुई जो दिखाई पड़ता है। तद्वत ठीक उसी प्रकार से, तद्वत एव ठीक उसी प्रकार से ही मतलब जिस प्रकार माया माइक बीज से माइक अंकुर की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार ये आवरण से माया के आवरण के फलस्वरूप है जो भी कोई वस्तु दिखाई देगा वो माइक ही दिखाई देगा। जिस प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई चश्मा पहने हुए जो जिसमें ब्लू कलर है तो क्या हो जाएगा, जो उनका जो भी वस्तु दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, लाइट ब्लू कलर में दिखाई देगा। इसी प्रकार हमारे आँख भी वैसे माया का एक पट्टी लगी हुई है, ये धृतराष्ट्र के अंध थे जन्मांध थे, प्रत्येक जीव जन्मांध है और उसको मदद करने वाले कौन होते हैं, उनकी पत्नी, ये हमारे बुद्धि अंतकरण जिनकी पत्नी है वहाँ से भी अपने आँख में पट्टी बांध दी, कहाँ से संसार मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, ये जो है उसका ऐसे पूरा पूर्ण सहित नाश होता है, पूरा पूर्ण सहित नाश होता है। वो भी पौराणिक कथा के साथ हमारा जगत तो पूरा बेरा हुआ है, इसी का व्याख्या वहाँ पे क्या हुआ है ना कि प्रत्येक जीव जो है जन्मांध होते हैं और उसके मदद करने वाला बुद्धि हो तो वो भी आँख में पट्टी बांध देती है। वही शास्त्र तो परीक्षा लोगों का भी बोलता है, नहीं तो बोलते हैं इसी को परीक्षा करना पड़ता है, काम होता है कि जन्म माया अमम तेषाम यदि उक्तम तदेव दृष्टांत साधयति अस्ति कि धर्म तद्वत एव धर्मेशु जन्म नाशादि योजना युक्ति। अब देखो इसे भगवत गीता में ना पहले ही बात है धृतराष्ट्र उवाच राष्ट्रम धारयति इति धृतराष्ट्र, पारा सृष्टि को जो धारण करके रखा ये अंधभक्ति, हाँ उसको जब भगवदगीता का ठीक ठीक आप आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे आप सीधा अर्थ पता लग जाएगा आपको, धृतराष्ट्र बल के आप सुंदर सब उच्चारण किया वहाँ पर देखिए सारा सृष्टि को हमें मन अंधभक्ति के अरे मोहंधता है असत्य वस्तु के प्रति संसंधन आसक्ति जो भी हमारा वाचक लड़ाई झगड़ा कराता रहता है। यहाँ पे एकादश अध्याय में नहीं आया था, संजय ने बोला कि देखो सन भगवान ने दिखाया कि भीष्म द्रोण कर्ण सब मर जाएंगे और संजय ने सुना है उनको और उसके भगवान भाष्य का लिख रहे हैं कि संजय जानबूझ के सुना रहे हैं कि जिसको आश्रय ले करके दुर्योधन लड़ना चाहते हैं वो मरे हुए हैं सब, तो इसको सुन करके कम से कम धृतराष्ट्र के मन में आ जाएगा कि अभी भी कम से कम युद्ध बंद 10 दिन तो हो गया था, युद्ध बंद करके कम से कम अपना बच्चा बच जाएगा, परंतु भवितव्य वशात तदपि न श्रो सद्धृतराष्ट्र भगवान उसको भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आएगा, यही है मोहमंदता। कितना समझाता है शास्त्र, कितना बार समझाता है, किंतु हमारी मोहमंदता इतना है वो नाश के लिए जाता है। कोई विरल व्यक्ति एक आधा गलत नाम निकाल कर भगवदगीता को कभी भी पढ़ते समय तीनों दृष्टि से देखना, आध्यात्मिक अधिभूति और अधिदैविक, प्रत्येक वस्तु को तीन रूप होता है उसको आध्यात्मिक रूप में भी सोचना, अधिदैविक अधिभौतिक, अधिभौतिक तो व्यवहारिक जगह हो जाएगा, अधिदैविक मान लीजिए जो सब देवता को कि मैं वहाँ पर जो अरेंजमेंट करना है देखना आपको कई चीज स्पष्टीकरण आ जाएगा, आपको कैसे पुराण उपनिषद को व्याख्या करते हैं, कैसे पुराण उपनिषद को व्याख्या करते हैं आपको समझना है। दूरी दूर है ना, हाँ दूर तो दूरी है, कोई धर्म भी तो दूरी है, सारा सारा चीज ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं तद्वत एव धर्मेशु उसी प्रकार से जीवों में जन्म नाश आदि योजना युक्त, वहाँ पे जन्म नाश को इस प्रकार मतलब योजना होता है युक्ति, इसी प्रकार युक्ति से आप समझ सकते हैं। तो आठ नंबर टिप्पणी में जन्म नाश आदि अत्र आदिना विकारांतरम ग्राह्यम,
यहाँ पे आदि पद के तरह क्या रहेंगे, जो जायते अस्थि बद्धते भी कोई ना, जितना भाव विकार है उसको ग्रहण करना चाहिए। सभी माइक है, इसमें ना जरा व्यथि कुछ भी नहीं है आत्मा में, ये यहाँ पे समझना। न तो परमार्थ तथा धर्म नाम जन्म नाश होगा विद्यते, पारमार्थिक दृष्टि से जीव का जन्म अथवा नाश दोनों ही होना संभव नहीं है, दोनों ही होना संभव। न तो परमार्थ तो धर्म नाम जन्म नाश होगा विद्यते, दोनों ही होना क्योंकि युद्ध शब्द नहीं, ये इसका अभिप्रय था, छोटा छोटा मंत्र है और इसमें कोई अधिक विक्रता नहीं है। आगे कोई जद उत्तम सद्भावे न ही अजम सर्पम की तत्प्रपंच है, ठीक है ना। इसके पहले क्या बोले थे कि माया, जब माया प्रमोम पेशा में जो उत्तम दृष्टम को समझा दिया, माया से कहता था हम जो आपके बोल के आया था ना, संवित कर जाए सर्पम असद्भावे न अजम सर्पम शाश्वत नास्तिक भी 57 के श्लोक के तृतीय पाद देखिए, सद्भावे न ही अजम सर्पम उसी को दर्शन करते। जब उत्तम सद्भावे न ही अजम सर्पम प्रपंच, प्रत्येक श्लोक कैसे रिलेटेड है, मान लो करते ना एक शब्द दिया उसी अपने ही एक एक पद में जो जो अभिप्रेत करते उसको अपने स्पष्टीकरण देते जा रहे हैं। जब उत्तम सद्भावे न अजम सर्पम में बोले देते तो उसी का भी विस्तार से बोल रहे हैं। नाजीशु सर्वधर्मेशु नादेशु सर्वधर्मेशु शाश्वता शाश्वताभिधा शाश्वता शाश्वताभिधा यत्र वर्णान वर्ण्यन्ते यत्र वर्णान वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते विवेकस्तत्र नोच्यते। नादेशु सर्वधर्मेशु शाश्वता शाश्वताभिधा यत्र वर्णान वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते। इसलिए यहाँ पे क्या बोलता है, अदेशु सर्वधर्मेशु है ना, सारा जो भी कुछ दिखाई दे रहा आत्मा आत्मा ये सब जन्म रहित है, ये नहीं कि एक भाग में जन्म है जन्म जन्म अर्थ जरत ये नहीं नहीं चलता। उपादान जब एक ही दिखाया गया है, आधा में तो जन्म अनात्मा का जन्म आत्मा का जन्म नहीं है, ये नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए न अजेशु अजेशु धर्म सर्वधर्मेशु शाश्वता अशाश्वता अफिता न भवति, अभी मतलब वो नित्य है कि अनित्य है इस प्रकार से कथन वहाँ पे नहीं हो सकता है। अजेशु सर्वधर्मेशु जन्म रहित समस्त जीवों में वो शाश्वत मतलब नित्य अशाश्वत मतलब अनित्य इस प्रकार अभिधा मतलब कथन न भवति है ना, इस प्रकार के कथन वहाँ पे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उस आत्म तत्व को वर्णन करने के लिए कोई वर्ण शब्द तो है नहीं, यदि कुछ शब्द होता तब हम उसको नित्य अनित्य रूप से कह सकते थे, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। हम तो इतना देर तक जन्म रहित और जो इतना शब्द प्रयोग करता है बोलते हैं शब्द नहीं है, वो तो आप लोग बोलते हो तो हम उसके उत्तर में बोलते हैं, हमारे पास अपना कोई शब्द नहीं है। आप लोग जो अपने शास्त्र में जो शब्द को प्रयोग किया हुआ है आत्मा के लिए उसकी विपरीत आत्मा की स्थिति है, उसको कथन करने के लिए आपके शास्त्र के आधार पर आप हमने ये शब्द को प्रयोग किया, बस क्योंकि हमारे शास्त्र तो निर्वाक है, सारा वेदांत ग्रंथ जितना दर्शन है सब इससे अधिक दर्शन वेदांत में सबसे अधिक ग्रंथ मिलते हैं, और उसके वर्णन करने के लिए जो अवान मनुष्य को जो ये सबसे आश्चर्य की बात ये भी है। न अदेशु सर्वधर्मेशु शाश्वत अशाश्वता भी रहती हूँ, देखो यहाँ पे जन्म रहित तत्व में नित्य है कि अनित्य इस प्रकार से कथन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वर्णन करने के लिए कोई शब्द वर्ण नहीं है, उसको वर्णन करने के लिए कोई वर्ण नहीं है वहाँ। इसलिए ठाकुर जी का एक कथन है, ब्रह्म झूठा नहीं हुआ, बस मतलब शब्द के द्वारा उसको नहीं बोला जा सकता, ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। देखिए ब्रह्म शब्द प्रयोग कर रहे हो वो झूठा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो लाक्षणिक शब्द मतलब उसके बारे में वर्णन नहीं होता, तो ब्रह्म शब्द स्वयं एक वर्णन है कि नहीं है, वो तो लाक्षणिक शब्द है, उसके लिए नहीं लक्षण होता निर्दिशय व्यापकता को समझाने के लिए, निर्दिशय व्यापकता को समझाने के लिए इस प्रकार शब्द जत्र वर्ण न वर्त्यन्ते, जहाँ पे वर्ण कोई भी वर्ण जिसको एक्चुअल वर्तन्ते मतलब वर्णन्ते मतलब जिसको वर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे वर्णन नहीं होगा उसके विषय में विवेक कैसे करोगे, विवेक तत्र न उच्च वो कैसे, यदि आप कुछ कुछ किसी के बारे में कुछ वर्णन होता है तब तत्कुल अपने वस्तु संबंधित कुछ विवेक कर सकते हैं,
परंतु जब वर्णन ही होना संभव नहीं है तो उसका विवेक कहाँ से हो पाएगा। जब विवेक तत्व न उच्चते उसका इस प्रकार से विवेक करो ना करो, ये सब हमारा अष्टावक्र गीता पूरा करता है। जब तक आप विवेक करने का कोशिश करोगे तब तक कोई विवेक नहीं होगा। नहीं मंजदार बात हो एक एक सर, जब तक आप विवेक करने का कोशिश करोगे, जब तक आप जो है ध्यान धारणा करके मन को जो है उसको समझने का कोशिश करोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो जो है सारा समझ सारा प्रयास छोड़ने के बाद जो स्थिति होती है, परंतु करने के बाद पता लगेगा, उसके पहले पता नहीं, तब जाकर कुछ समझ में आता है। मेरे को बहुत पहले तो मैं पहले कुछ चैतन्य स्वामी पहले बार मेरे को बम्बई में अखंड नाम स्वामी का आश्रम तो कुछ गुजराती बोलते लोग धीरू भाई मेहनता के कुछ धीरू भाई को चलाते थे, वो हर महीना में एक एक महात्मा को बुलाते थे सुबह शाम को साथ चलना। वहाँ पर महात्मा मेरे को आए उस समय थे, आए थे दो तीन दिन के लिए, वो बोले थे मैं पूछा समझी अपने रमन मंच को बुझ जाते थे, अपने रमन मंच को पूछा देखा बोलता कि हाँ मिले तो थे, परंतु सब बोलने के बाद हमको बोल रहे जब तक रमन महर्षि को देखने और मिलने का इच्छा रहेगा तब तक रमन महर्षि नहीं मर सकते। व्यास शब्द पूरा देखिए मैं तन रहेगा, जब तक रमन महर्षि को देखने और मिलने का इच्छा रहेगा तब तक रमन महर्षि नहीं मर सकते। बहुत अच्छा लगता है बात सुनकर इसमें, लेकिन दोनों चीज मैं सुनूंगी, जब तक रमन महर्षि बनने की इच्छा नहीं करोगे जब तक रमन महर्षि बनने की इच्छा नहीं करोगे तब तक नहीं बन सकते। इसीलिए तो ठीक है बढ़ने की इच्छा, इसीलिए पहले आपको ये करना है, उन्होंने बोला कि मिलने की इच्छा करोगे, जाने की देखने की इच्छा करोगे तब तक नहीं होगा। तो रमन महर्षि बनने की इच्छा थी, बनने की इच्छा करते तो सारा कुछ करने की इच्छा छोड़ो, उनके जीवन ऐसे ही दिखाई पड़ता है। रमन महर्षि के जीवन में कहीं किसी कर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं, बस अपने मन है, बाकी जीवन व्यापारिक जो जितना होता है सामान्य होता है। परम यहाँ पे ना यत्र वर्ण ना वर्तते, जहाँ पे कोई वर्ण जिसको वर्णन नहीं कर सकते विवेक तत्व न उच्चते, उस समय उस वस्तु संबंधित विवेक होना कोई संभव ही नहीं है। न उच्चते एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर टिप्पणी। एक नंबर मतलब सत्याबोधक, शक्तिवृत्ति से जो अर्थ होता है ना, इसी देखो शक्तिवृत्ति से बोलेगा, ऐसा लक्षण वृत्ति से नहीं बोलेगा क्योंकि लक्षण से उसको समझा ही जाता है भाग कर लक्षण, परंतु शक्ति वृत्ति से उसको समझाने के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। जिस शब्द का जो शब्द जिस वस्तु का बोधक होता है उस शब्द का वही मान होता है ना, दर्शन जस शब्द जस शब्द जस बोधक तत्शब्द से तत् अर्थ उसका अर्थ होता है। शक्ति वृत्ति से ऐसा नहीं, उसको नहीं समझा जाए, होता है सत्याबोधक। शक्ति वृत्ति से किसी ब्रह्म को बोध करा देगा ऐसा कोई शब्द हमारे नहीं है। विवेक विवेक तत्व न जायते, इतर इतर भेद विवेक शब्द क्या कर रहे हैं, ये इससे भिन्न है, जब जिसके बारे में नहीं कहा जाएगा शक्ति वृत्ति से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि नहीं तो हमारा शास्त्र एक अनष्ट हो जाएगा, क्योंकि लक्षण वृत्ति से अथवा इससे भिन्न करके जो तुमको दिखाई दे रहा है सामने ये वस्तु ऐसा नहीं है इससे भिन्न है, इसलिए बोलते हैं इतर इतर भेद विवेक शब्द का अर्थ होता है। न उच्चते न उपपादयितुं शक्यते, उसको प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, कोई एक शब्द बोल करके उस ब्रह्म को सीधा सीधा शक्ति वृत्ति से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है ना। शक्ति वृत्ति से कोई शब्द प्रयोग कर करके ब्रह्म को प्रतिपादन करना ये होना संभव नहीं है। एक नौ अच्छा आगे देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं कि आत्मनि नित्य अनित्य कथा न अवतरति इति अत्र हेतु मानते हैं। 30 नहीं 60 पढ़ा ना लोगों ने, हाँ 60 तो उसी को टीका में देखिए, उसी के टीका में यदुक्तम सद्भवेन अद्यम सर्वम सर्विधि तत्प्रपंच है, उसको पढ़ा इसको पहले पढ़ के फिर हम श्लोक को पढ़े थे है ना। यदुक्तम ही जो कहा सद्भावेन मतलब सत के साथ मिला करके जब देखोगे तब सब जन्म रहित होगा आत्मानात्मा सब है, उसी को विस्तार से कहते हैं ना आदेशु सर्वधर्म। अब जो यहाँ पे आत्मा में जो शाश्वता शाश्वता भी तो बोलते हैं आत्मनि नित्ता नित्य कथा न अवतरती है, आत्मा नित्य है कि अनित्य है इस विषय में कोई कथा अवतरण नहीं कर सकता कोई शास्त्र जी पर। आत्मनि नित्य नित्य कथा न अवतरती, जैसे कोई बोलते हैं कि देखो एक राजा था वो इतना था अथवा एक जो जन्म रहित था, इस प्रकार से कथा के माध्यम से भी नहीं कहा जा सकता,
इत्यत्र, इसके पीछे हेतु क्या है? हेतु क्या है? यत्र वर्णा न वर्तन्ते, जिसके लिए शक्ति भी किसी को शब्द प्रयोग हम नहीं कर सकते, उसके लिए हेतु है इसका। अब 11 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है जी, 11 नित्य अनित्य कथा, 11 नंबर टिप्पणी नित्य अनित्य कथा, नित्य अनित्य शब्द प्रयोग इति अर्थ है ना, नित्य अनित्य शब्द का वहाँ पे हम नहीं प्रयोग किया जा सकता, ध्यान देना। किसके लिए बोलते हैं? धनात्मा के लिए, धर्म जीव, धर्म को लेकर के कुछ शब्द हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, आत्मा जीव, जीव आत्मा स्वरूप ही है, तो यहाँ पे जो है वो नित्य है कि अनित्य है? जीवत्व यदि नित्य होगा तब आप मुक्त नहीं हो सकते, और जीवत्व यदि अनित्य होगा तब मुक्ति के साधन की आवश्यकता है, देखिए। तो इसीलिए जो है दोनों प्रकार से उसको नहीं निरूपण किया जा सकता, नित्य अनित्य शब्द प्रयोग इसी अर्थ। अच्छा, तो बात बोलती है श्लोक से पूर्वार्धम व्याचस्ट, श्लोक का पहला आधा भाग को एक साथ व्याख्या करते हैं, पूर्वार्धम पहला पाद नहीं, पूर्वार्धम नादेशु सर्वधर्मेशु शाश्वत शाश्वत आदि, ठीक है, उसको लेकर। अब भाषण परमार्थ कस्तु आत्मसु अधीशु नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्याकेशु शाश्वत अशाश्वत इति वा न अभिधान न अभिधान प्रवर्तते इति अर्थ, ठीक है ना। पारमार्थिक दृष्टि से तो परमार्थतस्तु, पारमार्थिक दृष्टि से तो आत्मसु, आत्मा से देखिए बहुवचन प्रयोग करते हैं, हमारे पास तो एक ही आत्मा है, परंतु जो व्यवहारिक दृष्टि से हमने जीव अनेक मान रखा उसको मान लिया, वास्तविक को जन्म रहित है। अजेशु आत्मसु अजेशु नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्याकेशु, वो नित्य है, वो एक रस है और बोध स्वरूप है, विज्ञप्ति मतलब केवल बोध स्वरूप मतलब इतना ही, बोध स्वरूप और वही सत्ता रूप है, सत्ताकेशु है ना, मतलब शुद्ध चेतन एक सत्ता, इतना ही कहना चाहते हैं। और नित्य है वो एक रस है, मतलब वहाँ पे कोई विजातीय वस्तु नहीं है, है ना, इसको बोलते हैं नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्याकेशु। किसका अर्थ कर रहे हैं? वो जो मूल में आए हो ना अजेशु सर्वधर्मेशु, उसका अर्थ लिख रहे हैं कि यहाँ पे परमार्थ तस्तु आत्मसु अजेशु नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्याकेशु, वहाँ पर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है। क्षय और सात, क्षय नित्य उत्पत्ति आदि शून्य इति अर्थ है ना, वो जन्म मृत्यु से रहित है, उत्पत्ति ये नित्य अभिप्राय, और एक रस इति निस्सामान्य विशेष इति अर्थ मतलब निर्धर्म का निर्विशेषता ही जिसकी विशेषता है, मतलब निस्सामान्य विशेषता जिसके अंदर कुछ भी निकल गया सारा सामान्य धर्म भी, और यही इसका विशेषता है, जिसके अंदर कोई धर्म नहीं, मतलब क्या हो गया कि निर्विशेषता ही जिसकी विशेषता है, यह अभिप्राय है, मतलब निर्धर्म का मतलब ये कोई धर्म ही नहीं है, कोई आत्मा नामक धर्मी में सच्चिदानंदी धर्म बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ये आत्मा नामक धर्मी में सच्चिदानंद रूपी तीन धर्म बैठा हुआ है, ये ऐसी नहीं है, ये जो आत्मा ही सतरूप है और वो सत का स्फुरन आनंददायक है, यही सत्य, मतलब जो सत्य है वही चित्त है वही आनंद रूपी है, ये सभी प्रसिद्ध है, इसलिए बोलते हैं निर्धर्म की तो धर्म वाला नहीं है। इस प्रकार की वस्तु में शाश्वत अशाश्वत इति वा वो नित्य है कि अनित्य है, इस प्रकार से न अभिधा न अभिधान, अभिधान अभिधान मतलब अभिपूर्वक धातु का अर्थ होता है कथन शब्द प्रयोग है ना, न अभिधान प्रवर्तन, कोई भी शब्द शक्ति वृत्ति से प्रवृत्ति नहीं हो सकता, कोई भी शब्द शक्ति वृत्ति से उस आत्म तत्व को समझा नहीं सकता। 8 नंबर टिप्पणी अभिधान मतलब शब्द शक्ति वृत्ति से कह नहीं सकते हैं, इति अर्थ क्यों नहीं कह सकते हैं, इसलिए बोलते हैं द्वितीयार्थ व्याकरोति, उसके हेतु के रूप में नहीं व्याकरण, हेतु के रूप में द्वितीय अर्थों का व्याख्या करते हैं। जत्र मतलब जत्र वर्णा न वर्तन्ते, ठीक है ना, तृतीय पाद है ये, जत्र शब्द का अर्थ करते हैं जेशु, जेशु अधेशु में परादेशु आ रहे हैं, जेशु अधेशु धर्मेशु आत्मसु वर्णन्ते जय अर्थात् ते वर्णा, वर्ण शब्द का अर्थ करते हैं जय अर्था वर्णन्ते ते वर्णः, जिनके द्वारा विषय को वर्णन किया जाता है उसको वर्ण कहते हैं, जय अर्था वर्णन्ते
जिनके द्वारा जिन मतलब जिन जिनके द्वारा किसी विषय को वर्णित किया जाता है, वर्ण्यन्ते वर्ण्यते वर्णा, उसको वर्ण शब्द बताते हैं। ठीक है, विषय को जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है उसको बोलते हैं वर्णा। मतलब कौन हो गया श्रद्धा, हम शब्द बोलते हैं। न प्रवर्तन्ते जेषु, न प्रवर्तन्ते जिसमें यहाँ जानना पे जत्र शब्द का अर्थ करते हैं जेषु, वर्ण वर्ण शब्द का अर्थ कर दिया, और वहाँ पे वर्तन्ते का अर्थ कर दिया प्रवर्तन्ते। भाष्यकार के प्रभुषण को लगा करके बोल रहे हैं मूल में वर्तन्ते हैं, मतलब अभिधातु प्रकाश है तुम न प्रवर्तन्ते, उसको प्रकाश करने के लिए उसको कथन करने के लिए कोई भी वर्ण प्रवृत्त नहीं होता, कोई भी वर्ण में अंदर सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, यत्र जेषु वर्ण्यन्ते, यत्र शब्द का अर्थ क्या जेषु, वर्ण शब्द का अर्थ क्या जही अर्थ वर्ण्यन्ते ते वर्ण, मतलब हो गया शब्द, वो शब्द न प्रवर्तन्ते वो प्रवर्तित नहीं हुआ, उत्साहित नहीं होता इसमें अभिधातु जेषु अभिधातु मतलब प्रकाश है तुम न प्रवर्तन्ते, जिसको प्रकाश करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होता। वहाँ पे भी 9 नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, प्रवर्तन मतलब प्रभावती उसके लिए प्रयास नहीं करता, अभिधातु प्रकाश हेतु न प्रवर्तन्ते इति अर्थ इसका लिखा जाता है। इदम एवं इति विवेक, ये वस्तु ऐसा है, इदम एवं ये वस्तु एवं मतलब इस प्रकार है, इति विवेक है ना, इस प्रकार से विवेक तत्र न उच्यते, अब इसका अर्थ कर रहे हैं विवेक मतलब है ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है, इस प्रकार से जो बोला निश्चय रहता है, इसलिए आप बोलते हैं कि इदम एवं इति विवेक मतलब विविक्तता, इस प्रकार ये 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 वस्तु ऐसा है मतलब ये इससे भिन्न है, ये विविक्तता अलग करके देखना विचारपूर्वक अलग करके समझना, इसलिए होता है विविक्तता। 10 नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं विविक्तता मतलब मित भेद, आपस में इसके इसका भेद है, इस चीज़ का भेद है, ये जो है ये जो विविक्तता, इदम एवं इति विवेक मतलब विविक्तता, तत्र नित्य मतलब नित्य अनित्य इति उस आत्मा में वो नित्य है कि अनित्य है, इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। तत्र सप्तमी है जो अजेशु करके आया हुआ है, उस सप्तमी को लेना पड़ेगा, उस विषय में नित्य अनित्य इति न उच्यते, आत्मा नित्य है कि अनित्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब अलग करके जो अनित्य वस्तु से इसको अलग करके नित्य को समझना है। हाँ, अनित्य वस्तु को दिखाई पड़ता है, इतना कह सकते हैं इन वस्तु में जो धर्म दिखाई दे रहा है इसमें आत्मा में ये धर्म नहीं है, अब इसके सिवा और कुछ भी नहीं कहा जाए, मतलब उसमें जिसको प्रति उसमें ही धर्म से विलक्षण है, नित्य अनित्य इति न उच्यते, कहाँ से मिल गया आपको ये बोलता है श्रुति पद्धति जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः, इसलिए आप बोलते हैं जतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुति, इसका शंका दिया है आपको लगता है ये का ब्रह्मानंद वर्णी के द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुवाद मनोमय कुछ के वर्णन में गया अंतिम में दिया है, तो हो गया इसका अर्थ। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि तत्र इति, तो कहाँ तत्र लिया है, इदम एवं इति विवेक मतलब विविक्तता, वहाँ पे फिर क्या है तत्र, इस तत्र पद का अर्थ लिख रहे हैं आनंद गिरि जी, तत्र इति प्रकृतिषु धर्मेषु इति जाव, जिस धर्म मतलब जीव को लेकर के विचार किया जा रहा है उसमें यहाँ पे तत्र शब्द के द्वारा कहा गया, तत्र शब्द के द्वारा उसको रेफर किया गया, तत्र तत्र इति प्रकृतिषु धर्मेषु अधिशु सर्वधर्मेषु बोला ना, उसी यहाँ पे तत्र पद के द्वारा कहा गया, तो इति जागति इसका फिर करते हैं। आत्मसु नित्य अनित्य कथा अभावे शब्द अगोचरत्म हेतु तत्र प्रमाण भाव, आत्मा नित्य है कि अनित्य है इस प्रकार के कथन के अभाव में क्या कारण है, क्योंकि आत्मा शब्द के विषय नहीं है, किस प्रमाण के आधार पर बोलते हैं, तो श्रुति प्रमाण के आधार पर जो होता है आत्मसु आत्माओं में आत्मा नित्य है कि अनित्य है इस प्रकार की कथन मतलब शब्द प्रयोग के अभाव होने के पीछे क्या अभाव है, इस क्या कारण है, शब्द अगोचरत्म हेतु को शब्द का विषय नहीं बनते, शक्ति वृत्ति से कोई शब्द इसको प्रकाशित नहीं कर सकते, तत्र प्रमाण महम, आप जो आपकी प्रतिज्ञा आपको को कहीं कोई लक्षण प्रमाण अभ्यम वस्तु सिद्धि, आपको की प्रमाण देना पड़ेगा, लक्षण तो आपने दे दिया, प्रमाण क्या है कि श्रुति वाक्य से प्रमाण, इसलिए बोलते यहाँ पे कि यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुति, इस प्रकार श्रुति बने के कारण। अब जो है क्या बोल रहे हो कि जो पहले भी बोल कर गए, तो हम आप तो बोलते हो कि शब्द के द्वारा नहीं बोला जाता है और सारा शब्द आप उसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि शब्द हो गया प्रतिपादक और आत्मा अथवा धर्म हो गया प्रतिपाद्य, ऐसा करके लगता है,
तो हमने ऐसा कब कहा था? पूर्वादेव शंका करें, बोलते हैं आत्मनो शब्द अगोचरते प्रथम असो व्याख्या त्रिभी शब्देर प्रतिपद्यता आचरती इति आशंका। यदि ये व्याख्यान के द्वारा जुग को नहीं आए, अब बताओ इतना बकबक दिन भर क्यों करते हो? बकबक आनंद दिन भर बकबक क्यों करता? बोलते किसका शब्द से प्रयोग नहीं होता, दिन भर बोलते ही रहते हो, क्या बात है? आत्मनो शब्द अगोचरते, आत्मा सत्य वृत्ति से शब्द का विषय नहीं बनता, कभी नहीं बनता। कथम असो व्याख्या त्रिभी, व्याख्या करने वाले के द्वारा ये कैसे दिन रात क्यों बकर बोले ही जाता रुकते ही नहीं है? कथम असो व्याख्या त्रिभी शब्द ही नहीं बन प्रतिपद्यता, हम शब्दों के द्वारा उसके प्रतिपादन करने के लिए आचार्य जो व्यवहार करता रहता है, आचार्य के मतलब प्रार्थना होती है, इसको इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। यदि आशंक आपको ऐसे शंका करते हैं, चित्त स्पंदन मात्र है ना, वो एक चित्त का स्पंदन मात्र है। अविचार सुंदरम, अविचार पूर्वक उसको जब सुनेंगे वो अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा उसको अच्छा मतलब उसको अच्छा माना जाता है। किंतु ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपम द्वैतमिति सदृष्टान्त महाभुज, प्रतिपाद्य शब्द भी द्वैत में आता है और जिसका प्रतिपादन का मतलब आत्मा भी द्वैत में द्वैत हो जाएगा तो होगा। तो ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव्य द्वैतम सदृष्टान्त महा, ये सुनने में केवल अच्छा लगता है बंद, वास्तविक हमारा अभिप्राय वो नहीं है। ये एक बहुत पहले बोल करके आया कि जैसा स्वप्न मित्र है, अभी जो श्लोक आएगा वहाँ पे भी पहले ही बोल कर आया, परंतु वहाँ का अभिप्राय था जैसा स्वप्न पुत्र मित्र है, जागृत भी ऐसा ही मित्र है। परंतु यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे जो बोलेंगे वो है कि इन दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भाव है नहीं। शब्द के द्वारा हम आत्मा को प्रतिपादन करें ये कभी हमारा विश्व नहीं है, क्योंकि परंतु तुम्हारे समस्त व्याख्या करते ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए वेदांत में हमेशा बोलते हैं कि गुरुकुल में जाके पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे शब्द से भी अधिक लाभदायी होता है। गुरु के साथ रह कर उसका आचरण देख करके क्या पता लगता है, तब वो शिक्षा अधिक है, वो शिक्षा अधिक होता है। शब्दों के द्वारा जितना सीखेंगे इनको तो उसको बोला ही नहीं जा सकते, कितना भी अच्छा व्याख्यात्री हो, अच्छे शब्दों प्रयोग कर देंगे सब, किंतु विषय वस्तु को तो बोल नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? जीवन चाहिए, उसके लिए जीवन चाहिए। मतलब जिस जीवन के द्वारा जिस चीज़ को आपने समझा वो यदि जीवन में उतर जाता है तब क्या होता है, वो अधिक काम बलवान दृष्टान्त होता है, वो उदाहरण अधिक बलवान। किसी को कुछ पढ़ाओ, बच्चे को कुछ सिखाएगा, परंतु उस बच्चे को उसको समझाने के कुछ उदाहरण दिखाना पड़ता, देखो ऐसा। तो इसीलिए पहले जमाने जो हमारा नियम था, गुरुकुल में जाके गुरु के पास रह करके वेदोक्त हैं विशेष करके वेदांत में, इसकी क्या होता है कि उनके जीवन की जो असर पड़ते हैं वो अधिक होता है। इसलिए देखो तैतृय उपनिषद में बोलते हैं, जाने अस्माकं सुचरितानि तानि तया आचरन आचरितव्यानि न उसमें, यदि धर्म भी चिकित्सा अथवा अर्थ भी चिकित्सा सूचे तथा तत्र यदि संवर्षण ब्राह्मण सूते तथा तत्र आचरति तब तथा आचरत है। तो कन्वोकेशन सेरेमनी होती है, तब गुरु बोलते हैं गुरुकुल में रह करके आपने जो भी कुछ देखा उसमें से कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा। परंतु हम लोगों में यानी अस्मा का सुचरित्र जो हमारे हम लोगों के अंदर अच्छा चीज़ आपको देखा अच्छा लगा उसको ग्रहण करना। यदि इतना समय व्यवहार में कभी कुछ भिन्नता दिखाई दिया वो ग्रहणीय नहीं है। इसमें आया हुआ है शिक्षावल्ली में, अंतिम में आया हुआ है शिक्षावल्ली में आया है, तो जब अंतिम में कन्वर्सेशन जब गुरुकुल को चला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे ठीक है समझाने के लिए कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, परंतु शब्द प्रयोग मुख्य नहीं है, मुख्य होता है कि उनके आचरण कैसा, उनके आचरण उसके व्यवहार, हाँ वो उसका असर अधिक पड़ता है, उसका असर अधिक पड़ता है। आत्मन शब्द अगोचरत्व कथम असो व्याख्या त्रिभि शब्देव प्रतिपाद्यता आचरति, उस शब्द के द्वारा प्रतिपादन करने के उस प्रकार आचरण करते हैं। 12 नंबर टिप्पणी मतलब आचरण प्राप्त शब्दों के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा में क्यों होता है, यदि आशंका ऐसा शंका उठा करके होता है चित्त स्पंदन मात्र अभिचार सुंदर, ये मन की एक स्पंदन मात्र है, कभी सुनने से ज्ञान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये विचार रहित अवस्था में इसको अच्छा लगता है। जब ठीक ठीक विचार करेंगे तब पता लगेगा
ये तो केवल मतलब समझ की बात है, ताकि समझें हम शिक्षित तो कभी सच बोलता हूँ मतलब बस बात स्वामी जी, समझाना आसान है समझना कठिन है कि नहीं। समझाना तो शब्द के माध्यम से, परंतु समझ के उसको जीवन में अपना अनुभव होना इसलिए ये जो है ये भी विचार अविचार सुंदर हमें बहुत संपदा होती है। अविचार से जब तक हम ठीक से विचार नहीं करते तब तक तो अच्छा लगता है, तब तक ही अच्छा लगता है, कितना अच्छा बोलता है कितना नहीं करता है। हम तो वास्तविक वो चीज़ नहीं है, वो जिसको हम समझाना चाहते हैं वो शब्द के तरफ नहीं। हाँ उसमें क्या है, जो हम शब्द क्या करते हैं, जो हमने एडिशनली अपने ऊपर ग्रहण कर रखा उसको वो शब्द मिटाता है। शब्द तो केवल उसको मिटाता है जो हमने ऊपर अपने जो आरोप कर रखा विचार के कारण आरोप कर रखे। हम तो क्या करते हैं उसको एक एक करके निकालने का रास्ता खोल देते हैं। बाकी तो बस मौन ही उसका सबसे बड़ा अच्छा उपदेश, मतलब उपदेश का सबसे अच्छा उपाय है ब्रह्मसूत्र अथवा योग वशिष्ठम। कि बलराम जी बोलता आप मेरे को उपदेश करिए, आप मेरे को उपदेश करिए, चुप चुप बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है बाध्य और वास्कुलर ब्रह्मसूत्र में। तीन चार बार बोलने के बाद जब शिष्य को समझ में नहीं आया, ब्रह्म खलु राम हम तो तुम्हारे शब्द प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, निश्चित ही हमने उत्तर दे दिया, तुमको समझ में नहीं आया, तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो उसका उत्तर हमने ब्रह्म खलु तुमको उत्तर दे दिया, तुमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, तब फिर शब्द सारे समझाते हैं। ये है बोलते चित्त स्पंदनम मात्र अविचार सुंदरम प्रतिपद प्रतिपादक रूप प्रतिपद, शब्द भी एक दैत्य है जिसको प्रतिपादक कह रहे थे, वो भी एक दैत्य द्वैत के रूप में प्रतिपद प्रतिपादक इसको दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। 12 नंबर टिप्पणी आचरण का अर्थ कहते हैं प्राप्त अविचार सुंदर, अविचार सुंदर विचार बिना एवं मानव है, ठीक से विचार नहीं करने से अच्छा लगता है, परंतु वास्तविक विचार करने से बस सारा जितना इतना शब्द हमको मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं, जो हमने अपना करके अपने लिए अपना रखा है, मतलब जो नहीं है अपना मान करके उसको अपना रखा है, वो धीरे 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 विचार पूर्व शब्द सुनने से गुरु के बात को सुनने से अथवा वो धीरे 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 हम उसका सब दादा पुंदा छोड़ते हैं बस। और वो दादा पुंदा छूटने से जहाँ पर आपका स्वरूप है वहाँ पर ठीक हो जाए। दूसरा वाला प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेदनामन्दरस्थं भूतान्यालोकमग्नान्यविरतः जननप्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुर्धारामृतमिगमरहि दुर्लभं भूतहेतो यस्तमुज्जाविपूज्यं परमगुरुं पादपादे नतो अस्मि। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये Thank you.